वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे टेस्टी मटर पनीर पुलाव। मटर पनीर की सब्जी तो हम खूब पसंद करते हैं, तो चलिए आज मटर पनीर से पुलाव बनाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इस कप से मैंने एक कप चावल लिया है। चावल अच्छे से धो के आधा घंटा पानी में भिगा लिया है। 200 ग्राम पनीर इस तरह से क्यूब में काट लिया है। एक कप फ्रेश मटर ले लिया है। एक बड़े प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। एक हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। खड़े मसालों में एक छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, एक छोटी दालचीनी स्टिक, 6 लौंग, 15 से 16 काली मिर्च और 2 बड़े इलायची को इस तरह से खोल के ले लेंगे। 14 से 15 काजू, थोड़ी किशमिश ले ली है, आप चाहे तो इसे ना डालें। पैन में एक छोटा चम्मच घी डालकर गरम कर लेंगे। अब इसमें पनीर फ्राई होने डाल देंगे। हाई फ्लेम पे ही हमें पनीर को फ्राई कर लेना है। देखिए दूसरी तरफ से भी पलट के फ्राई कर लेंगे। पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं। सेम पैन में काजू डाल देंगे, लो फ्लेम पे थोड़ा भून लेंगे। देखिए हल्का भून गया है, निकाल लेते हैं। उसी पैन में किशमिश डालकर भी थोड़ा भून लेंगे। इसे भी निकाल लेंगे। गैस पर कुकर चढ़ाकर 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। अब इसमें जीरा डाल देंगे और साथ ही खड़े मसाले भी डाल देंगे। जीरा तड़कने पर प्याज डाल देंगे। प्याज को हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्राई हो गया है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। मटर भी डाल देते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भून गया है, पनीर डाल देते हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। चावल डालकर भी मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। जिस कप से हमने चावल लिया था उसी कप से हम 2 कप पानी डाल देंगे। मिला लेंगे। कुकर बंद करके 1 विसिल आने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टीम निकल गई है, कुकर खोल लेते हैं। चलिए चावल को देख लेते हैं। देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। 2 मिनट के लिए इस तरह से ढक के छोड़ देते हैं। देखिए चावल बढ़िया हो गए हैं और इसकी खुशबू मेरे पूरे घर में फैल गई है। प्लेट आउट कर लेते हैं। आप भी झटपट से ये पुलाव बनाएं और गर्मा गर्म लंच या डिनर में सर्व करें। थैंक यू।